अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ कारे, मैं इफ्तिखार फी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आया हूँ, यूके के शहर ग्लासगो में। और देखें, ये मेरे साथ हैं आदिल। आदिल ये हैं जी, आदिल साहब ये हैं जी। आदिल साहब, आदिल हम वालेकुम साहब, कैसे हम जी? साहब बिल्कुल ठीक। आज आपको फराएंगे थोड़ा सा। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जी फोर्ट विलियम बेन नेविस की तरफ, थोड़ा सा नॉर्थ घूमने फिरने, थोड़े से साइट सीइंग करेंगे, थोड़ी सी हिस्टोरिकल साइट देखेंगे थोड़े से। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, मेरे देखने वालों को भी और हमें भी इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं आदिल के साथ जा रहा हूँ और ये आदिल की गाड़ी है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियोस भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और ये आ गए हैं मैज़म साहब। मैज़म ज़रा आगे आइएगा, ये मैज़म है। वालेकुम सलाम। और दोस्तों, ये मैज़म की गाड़ी है, ये पीछे मैज़म। ओ जियो मैज़म, इस गाड़ी में जाएंगे। और ये मैज़म के दोस्त हैं, आइए सर। क्या नाम है आपका? शानी। दोस्तों, हम सब आज इंजॉय करेंगे और मैं वहाँ जाके दिखाता हूँ कि हम कहाँ। और ये है मेरी बहन किश्वर बहन और मैज़म इनके साहबजादे हैं। और ये जो घर है ये भी इन्हीं का है और मैं जा रहा हूँ सैर करने। ये है कैलेंडर विलेज जी हाँ, और वो दूर बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ़ पड़ी नज़र आ रही है, ये देखें नज़र आ रही है। तो हम जा रहे हैं सैर करने और देखें आज कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और ये देखें, इस बोर्ड पर भी इस इलाके का नाम लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत मंजर। दोस्तों, रास्ते मुझे ये चर्च नज़र आया, बहुत पुराना चर्च है, तो मैंने यहाँ उतर के मुनासिब समझा कि मैं आपको ये चर्च दिखाऊं। और इस चर्च के बारे में जो यहाँ हिस्ट्री लिखी गई है उसके मुताबिक ये 700 साल पहले बनाया गया था। और ये देखिए, और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये दरख्त ऊपर घोंसले भी हैं कबों के। और इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये दरख्त 700 साल पुराना है। जी हाँ, ये देखिए, ये दरख्त 700 साल पुराना है। और ये देखिए, अभी चूँकि सर्दियाँ हैं, अभी कुछ अर्से के बाद, एक महीने बाद अगर आप यहाँ आए इस इलाके में तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा। यूँ नहीं आ रहा, सुबह सुबह के वक्त इतनी कम लाइट। बड़ा खूबसूरत टाउन है जी, जहाँ से हम गुजर के अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, ये दाएं बाएं बड़ी खूबसूरत हसीन वादियाँ शुरू हो चुकी हैं। और सड़क के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये रेडिश है। अब ये शायद मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया गया या इस इलाके की खासियत है, जिस तरह कलर ज़दा ज़मीनों के ऊपर अक्सर सफ़ेद रंग आ जाता है, तो ये सुर्खी सी है सड़कों पे जो बड़ी भली महसूस हो रही है। दोस्तों, ये देखें, दूर पहाड़ की चोटी पर बर्फ नज़र आ रही है और ये है पहली उम्मीद। दोस्तों, ये बड़ा कमाल का मुल्क है और यहाँ सारा काम खुद करना पड़ता है। और ये देखें, मैसम जो हैं वो खुद पेट्रोल डालने लगे हैं, ये देखें। तो मैसम, ये इसकी पेमेंट कैसे होती है जो आप खुद डालते हैं? आप पंप भी पेमेंट कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं, कार्ड से भी और नकद भी। दोस्तों, ये देखें, ये पेट्रोल डाल रहा है, ये देखें। और यहाँ कोई वर्कर नहीं होता, तो आप जब यहाँ आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद डालना पड़ता है। और वैसे भी ये क्योंकि स्पोर्ट्स कार है तो ये बड़ी जल्दी पेट्रोल ख़त्म कर देती होगी इनका। और मैसम जो है मेरे भांजे हैं और देखें, ये खुद पेट्रोल डाल रहे हैं। दोस्तों, दूर पहाड़ों के ऊपर बर्फ नज़र आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी। दोस्तों, हसीन वादियाँ
खूबसूरत मौसम स्कॉटलैंड की ये हसीन वादियाँ देखिए, क्या काले बादल छाए हुए हैं, जिस तरह आसमान इन पहाड़ियों पर झुक गया हो। दोस्तों ये देखें, पहाड़ और सड़क के दरमियान में बड़ी खूबसूरत एक झील, एक लेक है जा रही है, बहुत खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों, ये देखें, ये लॉक लुबनेक का इलाका है और बड़ी खूबसूरत वादियाँ, और पीछे एक झील है, दरिया है ये जो यहाँ से गुजर रहा है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत नज़ारा है स्कॉटलैंड का, और यहाँ से भी पहाड़ बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और खूबसूरत झील, खूबसूरत मौसम। ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है, और वो ऊपर सूरज मध्यम हुआ हुआ है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं लॉक लुबनेक का इलाका, ये खूबसूरत दरिया बह रहा है, पीछे बादल हैं, पहाड़ हैं, सब्ज़ा है उसके ऊपर, और वो दूर पहाड़ के ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है। ये देखें, और ये देखिए शफाफ पानी है, बिल्कुल शफाफ पानी, इसके अंदर पत्थर तक नज़र आ रहे हैं। और स्कॉटलैंड में इस तरह की बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, और ये फलक शिकाफ पहाड़ियाँ, और सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है, तो हमने यहाँ गाड़ी सिर्फ इसलिए रोकी ताकि ये इलाका मैं आपको दिखा सकूं, लॉक लुबनेक। दोस्तों गाड़ी में बैठकर जैकेट्स उतार दी जाती है, और देखें जैसे ही ये किसी ऐसी प्लेस पे उतरते हैं तो फौरन जैकेट्स पहन लेते हैं। सर्दी से रहना, जैकेट के बगैर गुजारा नहीं होना। कैसा लग रहा है आपको ये जसारा? खूबसूरत है ना? आदिल आप क्या कहते हैं इस जगह के बारे में? आप तो मुझे लेकर आए हैं यहाँ, बहुत हसीन है सर। आप तो यहाँ आते रहते होंगे, आपको कैसे लगा? यार बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बस वो जो ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ नज़र आ रही है ना, मैं चाह रहा हूँ इसके पीछे कहीं अगर हम चले जाएँ ना, और बहुत सारी बर्फ़ हो तो मज़ा आ जाए।